प्रोटेक्शन का, अल्डिहाइड कीटोन, और फर्स्ट पेज में ये था कि जो फरेक्टोज है और कैम्फर, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें बेटा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, वैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, कैम्फर के अंदर कीटोन ग्रुप है, बेटा कीटोन ग्रुप है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C10H16O, C10H16O। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कैम्फर का। एक मिथाइल ग्रुप ये हो जाएगा, एक ऊपर मिथाइल ग्रुप, एक इधर, और बाकी इनके साथ हाइड्रोजन लगेगी, और इसका एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगी, और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला है, आप देखो कि कार्बन 10 है इसके अंदर, आप काउंट करके देखो कार्बन 10 और हाइड्रोजन है 16, ऑक्सीजन एक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कैम्फर का। अब उसके बाद है सेकंड, तो बेटा सेकंड में है आईपिक नेम देना था, यहां से आप नंबरिंग कर दो 1, 2 और ये 3। तो बेटा देखो 3 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है और प्रोपेनल, तो आईपिक नेम था इसका 3-chloro-2-methyl-propanol, बेटा ये नाम हो जाएगा इसका आईपिक नेम। अब उसके बाद आईपिक नेम इसका भी देना है, देखो बेटा आईपिक नेम इसका कीटोन का भी देना है, ये कीटोन है, तो यहां से हम नंबरिंग कर देंगे 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब देखो 1 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेन 2 ओन, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, 1 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, मिटा देते हैं आगे अगले। अब इस कंपाउंड का आईपिक नेम देना है हमने, तो बेटा इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, बेटा जो इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 1 पे आएगा। और उसके बाद नंबरिंग इस तरह से करनी है, ग्रुप नजदीक हो, ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, मगर यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड भी है, बेटा ये नंबर 1 पे है और ये OH भी 2 पर है और मिथाइल भी 2 पर है, मगर 2 पे डबल बॉन्ड भी है, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, प्रेफर देंगे, क्योंकि एक तो OH भी है और दूसरा डबल बॉन्ड भी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2-in-1-on, देखो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर बेटा हाइड्रोक्सी है, 6 पर मिथाइल है,
साइक्लो हेक्स टू इन और वन पे ओन है, वन पे कीटोन ग्रुप है, तो उसका आईपिक नेम ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर। देखो ये बुक में लिखा हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स पोलर हैं, इनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। बेटा जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि ये पोलर हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक वंडरवाल्स फोर्स होती है जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो उसका सही जवाब होगा डायपोल डायपोल फोर्सेस। कार्बोनल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में डायपोल डायपोल फोर्सेस के तहत जकड़े हुए हैं। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है बेटा व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोनल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनल कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है। पहली बात हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन अल्केन, अल्केन से तो ज्यादा है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो अल्केन से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये तो आपको बताया कि अल्केन से ज्यादा है क्योंकि इनका डायपोल डायपोल इंफेक्शन की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन से ज्यादा होगा। हाई मिल्ट, अच्छा उसके बाद है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, अल्कोहल से कम होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद मोर सोल्यूबल देन अल्केन एंड लेस सोल्यूबल देन अल्कोहल इन वाटर, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि इनकी सोल्यूबिलिटी अल्केन से ज्यादा है अल्कोहल से कम है इन एक्वस मीडियम वाटर के अंदर। अच्छा उसके बाद इनके अंदर बात है कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वैसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आपस में। बेटा कार्बोनल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, मगर ये वाटर के साथ और अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, अल्कोहल और वाटर के साथ इनमें अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन 107 हाइड्रेशन ऑफ वन प्रोपाइन। बेटा हाइड्रेशन किसकी, वन प्रोपाइन की। ये वन प्रोपाइन है, इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, और जब वाटर ऐड करेंगे ओच कहां पे लगेगा, ओच लगेगा इस कार्बन पे, और ओच लगेगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम होती है। बेटा ओच उस कार्बन पे लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, और जो पॉजिटिव पार्ट है वहां पे लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगी। बेटा ये गलती होगी, यहां हाइड्रोजन एक लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर इधर H लगा दो, इधर OH। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी। बेटा रीअरेंजमेंट में ठीक है, इस पे ओच लग गया था और यहाँ पे हाइड्रोजन, अब रीअरेंजमेंट करेंगे। अच्छा रीअरेंजमेंट में एच डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एच की, एच यहां से निकलेगा यहाँ पे लगेगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और बन जाएगा कीटोन। बेटा कीटोन बन गया, देखो एसीटोन बन गया है, तो प्रोपेनोन बनेगा इससे, तो इसको मिटा देता हूं। वैसे एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूं ये आप लोगों को,
अच्छा बातें, एक 108 क्वेश्चन बेटा, 108 क्वेश्चन कहता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल कंपाउंड की रिएक्टिविटी। बेटा कार्बोनल कंपाउंड में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और अल्काइल ग्रुप लगने से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अल्काइल ग्रुप लगने से रिएक्टिविटी, क्योंकि एसिडिक हिंड्रेंस पैदा होती है न्यूक्लियोफिल कटे के लिए। बेटा अल्काइल जो ग्रुप है वो एसिडिक हिंड्रेंस पैदा करता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो पहली बात थी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक हिंड्रेंस, नहीं है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक हिंड्रेंस के, ठीक है। जितनी एसिडिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, बेटा जितनी एसिडिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, इनवर्सली है। अच्छा उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल, ये भी नहीं है बेटा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की जितनी बड़ी साइज होगी, बेटा अल्काइल ग्रुप की जितना साइज लार्जर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक हिंड्रेंस पैदा होगी और उतनी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दुश्वारी पेश होगी आएगी, इतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद था नन ऑफ दीज, तो उसका सही जवाब था नन ऑफ दीज, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा ये कोई इनमें से ऑप्शन नहीं है इसका सही जवाब। अच्छा उसके बाद था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अल्कोहल, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये इथाइल अल्कोहल है बेटा। अच्छा एक इथाइल अल्कोहल टेस्ट देगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और एक देगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां पे भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, सी एच ओ एच के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो वन और टू बेटा, पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड, ये दोनों आयोडोफॉर्म का टेस्ट देते हैं, ये रिएक्शन दोनों पढ़ाए भी थे, बुक में मौजूद है। अच्छा उसके बाद है रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, बेटा अल्कोहल और एल्डिहाइड के दरमियान रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल और एल्डिहाइड के दरमियान जो रिएक्शन है वो एसिड कैटलाइज्ड है। अब देखो इनमें जो कार्बोनल कंपाउंड्स दो टाइप के हैं बेटा, एक बेस कैटलाइज्ड एक एसिड कैटलाइज्ड। तो बेस कैटलाइज्ड में आपको पता है कौन कौन से रिएक्शन आ जाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड बेस कैटलाइज्ड है। अच्छा उसके अलावा अल्डोल कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड है, आयोडोफॉर्म बेस कैटलाइज्ड है, तो ये रिएक्शन थे बेस कैटलाइज्ड। और उसके बाद है दूसरे एसिड कैटलाइज्ड, दोनों रिएक्शंस आपको मैंने पढ़ा दिए, बुक में मौजूद है, ये बुक में ही से क्वेश्चन है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो बेटा ये एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिल के एडिशन, ये बुक से सीधा क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद है 111 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टोलन्स रिएजेंट एंड अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कि कौन सा एल्डिहाइड है जो टोलन्स रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी देता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी देगा एल्डिहाइड। तो इनमें देखो एल्डिहाइड सिर्फ आपको मैंने एक ही पढ़ा था, एक ही एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का रिएक्शन देता है बेटा, एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म का रिएक्शन देता है, वही है एस्टल्डिहाइड। मिथाइल ग्रुप मौजूद है बेटा, मिथाइल ग्रुप मौजूद है इसलिए एक ही देगा एस्टल्डिहाइड नंबर टू। टू ओनली लिखा हुआ है देखो, अच्छा उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीन। बेटा एक आपको मिला था इमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। देखो ये है कार्बन और डबल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, हम इमीन पढ़ते हैं। और ये बुक में मौजूद भी है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, इधर आर भी लग सकता है एच भी लग सकता है। बेटा एच भी लग सकता है मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने इधर एच लगा दिया, मगर ये है मेन फंक्शन ये है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है यहाँ एच भी लग सकता है आर भी लग सकता है। अच्छा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग reduce tolerance reagent but not failing solution, के कौन सा है जो tolerance reagent को reduce कर सकता है मगर failing solution को नहीं। बेटा जो aromatic aldehyde है, aromatic aldehyde देखो वैसे जो aldehyde है aliphatic aldehyde वो tolerance reagent को भी reduce करते हैं failing solution को भी, मगर जो aromatic aldehyde है aromatic aldehyde benzyl aldehyde बेटा ये बेंजल अल्डिहाइड है, ठीक है ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता मगर टोलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है सिल्वर मेटल में बेंजल अल्डिहाइड। और बाकी ये जितने भी अल्डिहाइड हैं ये दोनों अल्डिहाइड ये दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं, ये कीटोन ये नहीं करेगा, ये कीटोन दोनों को नहीं करेगा बेटा, ये कीटोन है दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा मगर ये जो बेंजल अल्डिहाइड है वो टोलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं, टोलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है मगर फेलिंग सॉल्यूशन को नहीं रिड्यूस करेगा। तो फोर्थ ओनली होगा बेटा इसका सही जवाब, और ये दोनों को रिड्यूस करेंगे मतलब फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगे। बेटा ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ये दोनों को रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगे और टोलरेंस रीजन को भी, मगर ये कीटोन दोनों को रिड्यूस नहीं करता और ये जो है वो किसको रिड्यूस करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा मगर टोलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देगा।
अच्छा 114 पेज, 114 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज कीटोन, के कौन है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा? बेटा कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, उसमें एसिड नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। मगर ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं बेनेडिक्ट और टॉलरेंस एजेंट, ये दोनों नहीं करेंगे बेटा, ये दोनों नहीं करते हैं। सिर्फ यही है, ये बेनेडिक्ट और टॉलरेंस एजेंट कीटों को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, सिर्फ पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा उसके बाद है टू ब्यूटेन नॉन ऑन ऑक्सीडेशन, बेटा टू ब्यूटेन के आप ऑक्सीडेशन करेंगे, टू ब्यूटेन की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसको लॉ क्या था, रूल क्या था कि कीटोन ग्रुप, बेटा लॉ ये कि कीटोन ग्रुप, ये जो कीटोन ग्रुप है उसके साथ मिलेगा जिसके साथ कम कार्बन होंगे। बेटा कीटोन ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप को किसके साथ मिलाना है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ शामिल कर दो जिसके अंदर कम कार्बन हो। तो देखो कीटोन को हमने कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप को इसके साथ शामिल कर दिया। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप उस कार्बन के साथ मिलेगा, उस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलेगा जिसके अंदर कम कार्बन होगी। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप, उसको उस कार्बन के साथ शामिल कर दो जिसके अंदर कम कार्बन हो। अगर इसके साथ शामिल करते इसके अंदर दो कार्बन है, दो ये एक ये तीन हो जाएंगे कार्बन, तो बेटा इसके साथ शामिल नहीं करना। इधर देखो दोबारा मैं बता देता हूं, इसके साथ शामिल नहीं करना। तो कार्बोनाइल को किसके साथ शामिल करेंगे, उस अल्काइल ग्रुप के साथ शामिल करेंगे जिसके अंदर कम कार्बन है। तो इसके अंदर दो कार्बन, इसके अंदर भी दो कार्बन, तो आपको मिलेंगे दो एसिडिक एसिड के मालिक्यूल। बेटा एसिडिक एसिड के दो मालिक्यूल मिलेंगे, इसमें भी दो कार्बन इसके अंदर भी दो कार्बन, तो एसिडिक एसिड के दो मालिक्यूल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एसिडिक एसिड मिलेगा आपको दो मालिक्यूल। उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटल, बेटा एसीटल के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसीटल, और एसीटल तब बनता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ। अल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बनेगा एसीटल, क्या मिलेगा एसीटल मिलता है। अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ मिलेगा एसीटल, और एसीटल के हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और ये बुक में मौजूद है बेटा, एसीटल के हाइड्रोलाइसिस से वापस हमें अल्डिहाइड मिलेगा, और ये रिएक्शन बुक में से लिया गया है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटल आपको मिलेगा वापस अल्डिहाइड। अच्छा उसके बाद है अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, बेटा अल्डिहाइड और कीटोन
दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक कंपाउंड के साथ, और येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, अब एक तो येलो प्रेसिपिटेट बनती है आयोडो फॉर्म की, मगर उसमें भी कीटोन तो रिएक्ट करते हैं, आयोडो फॉर्म का टेस्ट देते हैं, मगर अल्डिहाइड तो सारे नहीं देते। इसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं बेटा, अल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे, और वो कंपाउंड है 2,4-dinitrophenylhydrazine। बेटा 2,4-dinitrophenylhydrazine बुक में पढ़ा है, 2,4-dinitrophenylhydrazine जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है कीटोन के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्डिहाइड कीटोन के लिए। अल्डिहाइड की अगर दो कंपाउंड पड़े हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड कीटोन मौजूद है या कार्बोनल ग्रुप मौजूद है अल्डिहाइड कीटोन, तो आप तो ऐड करते हैं 2,4-dinitrophenylhydrazine। अगर उसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट बन जाए तो समझ जाओ अल्डिहाइड अल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनती तो कोई नॉन कार्बोनल कंपाउंड होगा, जो कार्बोनल उसके अंदर ग्रुप नहीं होगा, मतलब अल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा वो। उसके बाद है जिमनल डाइओल आर प्रोड्यूस व्हेन कार्बोनल कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर। बेटा जब हाइड्रेशन होती है, देखो हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करेंगे हम, जब अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, जिमनल डाइओल। देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, अच्छा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे भी H लगेगा, तो देखो जिमनल डाइओल बन गया। दोनों कार्बन मतलब एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, बेटा एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, जिमनल डाइओल। और ये तब मिलेगा जब कार्बोनल कंपाउंड्स को रिएक्शन कराएंगे, बेटा कार्बोनल कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, अच्छा उसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा बेटा अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे अल्डिहाइड में होती है या कीटोन में, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, ऐसे अल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, उनमें अल्डोल कंडेंसेशन होती है। दो सेम अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, दो एस्टर अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, एस्टर अल्डिहाइड प्रोपाइल अल्डिहाइड के दरमियान हो सकती है, दो डिफरेंट अल्डिहाइड में हो सकती है, अल्डिहाइड कीटोन में हो सकती है, दो डिफरेंट कीटोन में भी हो सकती है, तो सब पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आइडेंटिकल अल्डिहाइड, डिफरेंट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कीटोन बिटवीन सेम और डिफरेंट कीटोन, सब में हो सकती है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा व्हिच अल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, ये कौन सा अल्डिहाइड है जो मोस्ट रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड, ये बुक में भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो अल्डिहाइड रिएक्टिव है वो बेटा फॉर्मल्डिहाइड है। देखो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि दोनों साइड पर हाइड्रोजन लगी हुई है, कोई हिस्टोरिक हिंड्रेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा उसके बाद एस्टर अल्डिहाइड है,
उसके बाद प्रोपानलिडाइड है, उसके बाद कीटोन आएगा, ये है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फॉर्मल डिहाइड की, डेन एस्टर डिहाइड, डेन प्रोपाइनल डिहाइड, डेन कीटोन। इसमें भी तीन कार्बन है, इसके अंदर भी तीन कार्बन है, मगर रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक तो अल्काइल ग्रुप है, दूसरे पर हाइड्रोजन है, इनमें दोनों अल्काइल ग्रुप है जो एसिड के हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं और रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है अल्डिहाइड और कीटोन की बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपने पढ़ा कि अल्डिहाइड कीटोन को अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से बनाते हैं, बेटा अल्कीन की ओजोनोलाइसिस जब करते हैं, पढ़ा रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं हमने, ये अल्कीन के अंदर भी हमने पढ़े थे, तब भी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस, और जब हम अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो भी इसमें बुक में पढ़ा, ये सीधा सीधा टॉपिक हेडिंग है ये टॉपिक की, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कीटोन। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करती है, किसमें से, कीटोन में से, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अल्डोल कंडेंसेशन होता है एस्टरलिड में, प्रोपाइनलिड में, एसीटोन में, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेटा एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा, बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करती है कीटोन में से या अल्डिहाइड में से, या अल्डिहाइड में या कीटोन में रिमूव करेगी, मगर यहाँ अल्डिहाइड है और कीटोन है तो यही होगा। अगर वैसे अल्डिहाइड कीटोन दोनों मौजूद है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों बेटा मौजूद है, तो भी कीटोन से निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कीटोन से निकलेगी, अगर अल्डिहाइड कीटोन दोनों मौजूद हो तब ऐसा होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी वो कीटोन से निकलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मल्डिहाइड को हम रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो एक फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, कैनिजेरोस रिएक्शन होगा ये बेटा। देखो फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देगा नहीं, फॉर्मल्डिहाइड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा फॉर्मिक एसिड और रिड्यूस होकर बनाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो अब देखो एक मिथाइल अल्कोहल बन गया और एक फॉर्मिक एसिड की साल्ट बन गई है, तो इसको क्या कहते हैं हम, कैनिजेरोस रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन भी इसको कहा जाता है बेटा, इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है, कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हुआ है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है कि ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं, ब्यूटाइन की बेटा हाइड्रेशन से कीटोन बन रहा है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, पढ़ा हुआ है हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, HgSO4 और H2SO4 बेटा, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये कैटलिस्ट हुआ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 बेटा, HgSO4 कैटलिस्ट यूज करेंगे इसके लिए। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनोलाइसिस वन ब्यूटीन, बेटा वन ब्यूटीन की आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं,
ये वन ब्यूटीन है, ये आपको मैंने तरीका सिखाता है कि ओजोन लाइसिस कैसे करते हैं, उसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओजोन के साथ तो बांड टूटेगा। ठीक है, एक यहां पे डबल बॉन्ड लगेगा और एक डबल बॉन्ड कर लगेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा बेटा। एक डबल बॉन्ड यहां पे लगेगा, एक डबल बॉन्ड उधर लगेगा, एक डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाएगा, दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो क्या मिलेगा? हमें डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि ओजोनोलाइसिस से ये बनेगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इसकी जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, ओजोनाइट बनेगा, ओजोनाइट को रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ और बॉयल करेंगे वाटर के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। मतलब एक प्रोपेनल एक मिथेनल, एक प्रोपेनल और एक मिथेनल, देखो इसमें है प्रोपाइन अल्डेड और फॉर्मल डेड, बेटा प्रोपाइन अल्डेड और फॉर्मल डेड मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद है रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, बेटा अल्कोहल को अल्डिहाइड में तब्दील करने के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए? देखो अल्कोहल है, अगर अल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है तो अल्कोहल के हम ऑक्सीडेशन करेंगे या अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन कर दो, ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो, डिहाइड्रोजनेशन से भी बना सकते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल का हमने बुक में पढ़ा कि इथाइल अल्कोहल को जब हम कॉपर और निकल के ऊपर पास करते हैं 180 पे तो अल्डिहाइड बन जाता है। हमारे बुक में ये भी है कि मिथेनॉल के वेपर्स को हम पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है, तो वो था डिहाइड्रोजनेशन। अच्छा दूसरा ऑक्सीडेशन, पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड या पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। अब देखते हैं कौन से रिएजेंट्स हैं, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ये यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम पर ये भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ दीज होगा। अच्छा उसके बाद अल्कलाइन कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम टार्टरेट डू नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा? अल्कलाइन कॉपर सल्फेट कंटेनिंग पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, मतलब ये तो होगा फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो फेलिंग सॉल्यूशन है और फेलिंग सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता है बेंजल अल्डिहाइड के साथ, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, एरोमेटिक अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ये। और बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा अब देखो ये बेटा क्वेश्चन कंसेप्ट के हवाले से था, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये बुक में नहीं था, मगर इसके अंदर कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट कौन सा है इसके अंदर, कि NaBH4
एने बी एच फोर जो है पढ़ा है आपने, या एल आई एल एच फोर, बेटा एने बी एच फोर या एल आई एल एच फोर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल के अंदर, बस यही काम है इनका। देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो इसका काम ही क्या होता है, एने बी एच फोर का, ये इसको मीडियम प्रोवाइड करेगा, और एने बी एच फोर बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में तब्दील करेगा, अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, बस तो ये कीटोन है जो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी कोई चेंजिंग आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट इसका सही जवाब था सी, बेटा इसका जो आंसर है वो सी होगा, क्योंकि ये कीटोन है और ये रिड्यूस किस में होगा, अल्कोहल के अंदर, बाकी अल्किन को रिड्यूस करेगा नहीं, अल्किन को रिड्यूस करेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, अगर अल्डिहाइड होता तो भी इसको रिड्यूस कर देता अल्कोहल के अंदर। तो बेटा ये है रिएक्शन, मतलब ये कीटोन ग्रुप, देखो कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर, बस अच्छा। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्रोटॉन अल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, बेटा ये अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर रिएक्शन में बुक में पढ़ा है सीधा सीधा क्वेश्चन, जो एसिटाल्डिहाइड है ये मैं रिएक्शन पढ़ा देता हूं आपको, मैं ये एस्टल्डिहाइड है और ये दूसरा एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन होगी इसके अंदर, एच निकलेगी ये, ठीक है बेटा अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगी, अब क्या बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी होगा, ओ एच हो जाएगा। अच्छा बेटा नजर नहीं आ रहा होगा लगता है आपको लोगों को, क्योंकि ये इसमें आगे हैं, तो ऊपर ये लिख देता हूं रिएक्शन में पूरा, ये रिएक्शन में ऊपर लिख देता हूं, अच्छा एक एस्टरलेट का मालिक्यूल और दूसरा भी एस्टरलेट का मालिक्यूल, बेटा दो मालिक्यूल हो गए, अब इसमें से ये हाइड्रोजन निकलेगी और यहां पे लगेगी जाकर, बन जाएगा OH, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, देखो बेटा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये H यहां पे लगेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देखो ये H यहां से निकलकर यहां पे लगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा,
दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड बन गया। अब इसमें से वाटर को एलिमिनेट करेंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा CH3CH, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा CH CHO बन जाएगा, इनको कहा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन एल्डिहाइड के एस्टर एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड जो है उसको हम हीट देंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद ये बन जाएगा प्रोटॉन एल्डिहाइड, और ये बुक में पढ़ा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुई है और उसके बाद एलिमिनेशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और प्लस में एलिमिनेशन भी है वाटर की, तब ये बनाए। अच्छा उसके बाद है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द एसिटोफिनोन, के कौन सी स्टेटमेंट एसिटोफिनोन के बारे में सही नहीं है, एसिटोफिनोन के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है एसिटोफिनोन के बारे में। नंबर वन, रिएक्ट टू फॉर्म 2,4-dinitrophenylhydrazine, रिएक्ट। अच्छा उसके बाद रिएक्ट टोलन्स रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक इसमें हुई है, 2,4-hydrazone होगा यहाँ पे, क्योंकि जब रिएक्ट टू फॉर्म है ना इसमें, तो एसिटोफिनोन जब रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजिन के साथ तो बनाता है 2,4-dinitrophenylhydrazone, और ये बनाएगा 2,4-dinitrophenylhydrazone। अच्छा रिएक्ट विथ टोलन्स रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर नहीं होगा, टोलन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, एसिटोफिनोन रिएक्ट बेटा नहीं करता। अच्छा उसके बाद रिएक्ट विथ I2 और NH टू फॉर्म आयोडोफॉर्म, सही है, इट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इथेनॉल क्लोराइड, एसिटोफिनोन जो बनता है बेटा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनता है बेंजीन और इथेनॉल क्लोराइड के रिएक्शन के साथ बनेगा, बेंजीन रिएक्ट करेगी इथेनॉल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एसिटोफिनोन बन गया प्लस एसीएल, ये तो सही है स्टेटमेंट, लास्ट वाली भी। और स्टेटमेंट जो है बेटा ये बी, ये करेक्ट नहीं है। अच्छा उसके बाद है 131 पे, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एस्टर एल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन, बेटा एस्टर एल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को कौन सा रिएजेंट अलग करेगा, एस्टर एल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को, तो याद कर लो जो एसिटोफिनोन है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट नहीं करते, एलिफेटिक कीटोन रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मगर एरोमेटिक रिएक्ट नहीं करेंगे बेटा, एरोमेटिक रिएक्ट करते ही नहीं है, और एस्टर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो उनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि एस्टर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अलग कर सकते हैं, तो इसका जवाब है NaHCl होती, और बाकी तीनों रिएक्ट करते हैं बेटा, बाकी तीनों रिएक्ट करेंगे, NaOH और I2 भी एस्टर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, NaHSO3 एस्टर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा मगर एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा,
तो इनको अलग कर सकते हैं एन एच एस के जरिए। अच्छा उसके बाद है व्हिच कंपाउंड गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस, कहता है कौन सा कंपाउंड है जो एसीटोन बनाएगा ऑन ओजोनोलाइज ऑफ अल्किन, अल्किन की ओजोनोलाइसिस से। तो बेटा ये जो एसीटोन सॉरी देखो सी इधर सी एच थ्री डबल बॉन्ड, सी इधर सी एच थ्री, और जब इसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है बेटा, और डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया, एक डबल बॉन्ड यहां पे लग गया, एक डबल बॉन्ड कीटोन बन गया। देखो यहां पे डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बॉन्ड, अब वो कीटोन में तब्दील हो गया ओजोनोलाइसिस के बाद, ये बन जाएगा। उसका सही जवाब ये होगा, इसकी जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये कीटोन मिलेगा, ये भी कीटोन एसीटोन, ये भी एसीटोन। अच्छा उसके बाद है सी टू एच फाइव ओ एच, बेटा सी टू एच फाइव ओ एच अल्कोहल ईस्टर एंड अल्डिहाइड, इनको कौन सा रिएजेंट जो अलग कर देगा, इनको कौन सा रिएजेंट जो अलग कर देगा, वो एन ए एच एस ओ थ्री है, क्योंकि एन ए एच एस ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओ थ्री अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जब आप फिल्टर करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी, बाकी सारे कंपाउंड जो है वो फिल्टर पेपर से आउट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सॉल्यूशन की सूरत में होंगे और बाकी तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट से बेटा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है ना एडिशन प्रोडक्ट बनाए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन कराकर, ठीक है, उसकी रिवर्सिबल हो सकता है, वापस आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, क्योंकि वो एडिशन जो प्रोडक्ट है वो बेटा रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है, जब उसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड के साथ तो हमें रिवर्स प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड का जो प्यूरिफाइड होगा, वो रिमूव हो जाएंगे दोनों। पहले देखो इनके अंदर हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ने इसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। उसके बाद जब हम फिल्टर करेंगे तो बाकी जो कंपाउंड्स होंगे वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, सॉल्यूशन होंगे, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रहेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और वो एल्डिहाइड और सोडियम बायसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट होगा। उसकी जब हम वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड की मौजूदगी में तो हमें वही कंपाउंड मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिलेगा ओरिजिनल, और ये बुक में मौजूद है। और ये रिएक्शन देखो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया भी था कि कौन सा कंपाउंड जो कार्बोनल ग्रुप और नॉन कार्बोनल ग्रुप को अलग करता है, कार्बोनल ग्रुप और नॉन कार्बोनल ग्रुप को अलग करने का कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, वही सोडियम बाय हाइड्रोजन सल्फाइड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था एनटीटी से। अच्छा अभी हमने पढ़ा था एस्टर एल्डिहाइड की जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभी पढ़ा था हमने ओजोनोलाइसिस, बेटा जो हमने पढ़ा था ना ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस में यही बात थी, सॉरी ओजोनोलाइसिस नहीं थी अल्डोल कंडेंसेशन, जब इसके हम अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं किसकी एस्टर एल्डिहाइड की NaOH के साथ, तो हमें मिलता है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, अभी हमने पढ़ाया था मैंने, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन की थी हमने वाटर के, सॉरी वाटर को रिमूव किया था हमने। तो बेटा सेम रिएक्शन है, देखो एस्टर एल्डिहाइड ये दूसरा एस्टर एल्डिहाइड का मालिक्यूल,
मॉलिक्यूल, अब एच इसमें से निकालना है, इस एच को निकालना है आपने बेटा। ये एच निकलेगा, या मैं बता देता हूं, एच निकलकर यहां पे लगेगा, एच निकलकर यहां पे लगेगा, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री ओएच, फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, सी एच टू हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बना, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो क्या बन गया देखो, 3-hydroxybutanol बन गया। ये बेटा हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां पे लगेगी और इस कार्बन का बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3-hydroxybutanol। अच्छा उसके बाद है द रिएजेंट दैट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एस्टलडेट, अभी आपने पढ़ा था कि कौन सा कंपाउंड जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा एस्टलडेट के साथ, NaHSO3। रिएक्शन ऑफ एस्टलडेट विद पोटाशियम परमैंगनेट, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ एस्टलडेट विद पोटाशियम परमैंगनेट, एस्टलडेट के ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, एस्टलडेट की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक एसिड मिलेगा। देखो एस्टलडेट है, ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, एसिडिक एसिड बन जाएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट टू डिफरेंशिएट एस्टलडिहाइड एंड फॉर्मलडिहाइड, एस्टलडिहाइड और फॉर्मलडिहाइड को कौन सा रिएजेंट अलग करेगा देखते हैं, एस्टलडिहाइड फॉर्मलडिहाइड को अलग कौन करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं होगा, टॉलरेंस रिएजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं होगा, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आयोडीन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये दोनों को अलग करेगा, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। अच्छा उसके बाद है बेटा अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, अल्डिहाइड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन है, अल्डिहाइड और अल्कोहल, आपको पता है अल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्कोहल के साथ, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट होगा, देखो बेटा अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ये रिएक्शन होता है, अल्डिहाइड में तो आपको पता है फॉर्मलडिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा, अल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्ट फॉर्मलडिहाइड है, और अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्ट होगा, ठीक है देखो अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है अल्कोहल के, अल्कोहल एच आयन खारिज करता है बेटा, अल्कोहल ये बांड टूटेगा, अल्कोहल में ये बांड टूटेगा बेटा, देखो अल्कोहल में ये वाला बांड टूटता है, अल्कोहल जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, इधर देखो इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है बेटा, इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी आपने पढ़ा है, सबसे ज्यादा रिएक्ट है मिथाइल अल्कोहल, देन इथाइल अल्कोहल,
प्रोपेलर फोर्स। तो अब बताओ इसमें फॉर्मल्डिहाइड और इसमें मिथाइल अल्कोहल। बेटा देखो जब अल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? अल्डिहाइड में मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड की और अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन आयन खारिज करेगा, हाइड्रोजन आयन खारिज करेगा और ये वाला बांड टूटेगा। ठीक है, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी देगा, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी देगा, अल्कोहल जब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से फॉर्मल्डिहाइड और यहां से मिथाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्कोहल का ये वाला बांड टूटेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और बांड ये टूट गया, अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा, मिथाइल अल्कोहल भी ज्यादा होगी। अच्छा अब आते हैं टेस्ट है बेटा, 2,4-dinitrophenylhydrazine 2,4-DNPH ठीक है, और ये कलर प्रेसिपिटेट बनाता है, 2,4-DNPH ये कलर प्रेसिपिटेट बनाता है और आयोडोफॉर्म भी कलर प्रेसिपिटेट बनाएगा। किसके साथ? मतलब दोनों कलर प्रेसिपिटेट किसके साथ बनाएंगे? देखो बेटा 2,4-DNPH जितने भी एल्डिहाइड हैं, जितने भी कीटोन उनके साथ कलर प्रेसिपिटेट बनाता है। देखो 2,4-dinitrophenylhydrazine बेटा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आयोडोफॉर्म का टेस्ट कौन देता है? आयोडोफॉर्म का कीटोन देगा मिथाइल कीटोन देता है, आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा मिथाइल कीटोन। तो अब देखो इसके अंदर तो है ही नहीं ऐसी बात कोई। ठीक है, ये है बेटा ये मिथाइल कीटोन है, ये देखो सी और सी एच थ्री है तो ये आयोडोफॉर्म के साथ भी रिएक्ट करेगा और 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा, तो करेक्ट जवाब इसका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मिथाइल ग्रुप की वजह से CO CH3 कीटोन की वजह से तो DNPH के साथ भी रिएक्ट करेगा और उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। ये अल्डिहाइड है बेटा, अल्डिहाइड तो रिएक्ट करेगा 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ मगर आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा ये भी 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा मगर आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा उसके बाद है ब्रिक रेट प्रेसिपिटेट इन द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा जो फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट में रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है वो कुप्रस ऑक्साइड का होता है,
देखो फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट में जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट बनती है वो CU2O की होती है, ट्यूपरस ऑक्साइड की है। ये बुक में क्वेश्चन था, अच्छा उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा तो आगे इथाइल अल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। पढ़ा हुआ हमने चैप्टर 8 के अंदर कि जब फॉर्मल्डिहाइड, बेटा पढ़ा है हमने कि फॉर्मल्डिहाइड जब मिथाइल अल्कोहल सॉरी ग्रेग्रा रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ये बन जाएगा। देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, डायरेक्ट रिएक्शन में कर लेता हूं इधर, ठीक है बेटा, बाण को तोड़ना है, ठीक है, और इसके पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पर नेगेटिव चार्ज है, और जो मिथाइल ग्रुप होगा वो कार्बन के साथ लग जाएगा, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, और एम जी इधर लग जाता है, इधर लगता है MgX, मगर हाइड्रोलाइसिस में MgX निकलेगा, H लग जाएगा, तो बन गया इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अच्छा वो चौथा फॉलोइंग इज उस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, बेटा वही कैनन जेरोस रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। देखो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है, कैनन जेरोस रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH के साथ 50% NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो काफी क्वेश्चंस हो गए, 142 तक पहुंचे हैं बेटा, 42 क्वेश्चंस हो गए हैं, अच्छा उच्च द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड NaOH कंसंट्रेटेड अल्कली टू गिव अल्कोहल एंड एस्टरडेड, एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा बेंजल अल्डिहाइड याद कर लो, बेंजल अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो NaOH के साथ वो रिएक्ट करेगा, बनाएगा बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल, कैनन जेरोस रिएक्शन होगा इसके अंदर, बेंजाइल अल्डिहाइड के अंदर पढ़ा है हमने, बेंजाइल अल्डिहाइड के अंदर। अच्छा उसके बाद ट्राइमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड में भी बेटा ट्राइमिथाइल, देखो ट्राइमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसके अंदर भी, बेटा अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर भी एब्सेंट है, तो इसके अंदर भी कैनन जेरोस रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगी रिडक्शन भी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा, मगर डायमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड हो, डायमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड, देखो डायमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड बेटा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, डायमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड में हाइड्रोजन मौजूद है बेटा, ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है डायमिथाइल एस्टर अल्डिहाइड, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देगा अल्डोल कंडेंसेशन,
बेटा इस रिएक्शन में अल्डोल कंडेंसेशन होगा और बाकी में बाकी तीनों में अल्डोल कंडेंसेशन हो गई नहीं, इसके अंदर अल्डोल कंडेंसेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और बाकी तीनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, ना बेंजलडिहाइड में है, ना ट्राइमिथाइल एस्टरडिहाइड में, ना फॉर्मलडिहाइड में है। तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, बेटा जिन मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है ना, उनमें होता है कैनन्स रिएक्शंस, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, और बेरी कौन से लेंगे, हाईली कंसंट्रेटेड लेंगे 50%। अच्छा उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, याद कर लो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट अल्डिहाइड देता है, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी, अल्डिहाइड एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, जबकि कीटोन एलिफेटिक रिएक्ट करते हैं, वो भी सिमिलर कीटोन, वो भी बेटा सिमिलर कीटोन, हायर कीटोन भी रिएक्ट नहीं करते और एरोमेटिक कीटोन तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट कौन नहीं बनाएगा, ये कीटोन नहीं बनाएगा, ये कीटोन नहीं बनाएगा बेटा। अच्छा उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, हाइड्राजीन में बेटा जो आपने नहीं पढ़ा था अमोनिया के डेरिवेटिव, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव आपने लोगों ने पढ़े थे उनमें हाइड्राजीन, हाइड्रोक्साइल अमाइन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNPH, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है एलिमिनेशन भी है, इनको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी होती है, तो यही होगा हाइड्राजीन, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 146 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिएक्शन 50% NaOH, अभी हमने पढ़ा था 50% NaOH के साथ कौन रिएक्ट करता है बेटा, 50% NaOH के साथ एसाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा, कैनन्स रिएक्शन होगा और वो देता है फॉर्मल्डिहाइड देगा और ये या बेंजलडिहाइड भी देगा या ट्राइमिथाइल एस्टरडिहाइड भी देगा, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, बेंजलडिहाइड देगा। बेटा बेंजलडिहाइड, बेंजलडिहाइड जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है, देखो अगर मैं समझा देता हूं आपको, मैं बेंजलडिहाइड उसको NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड बनेगा और एक बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजर अल्कोहल बन जाए। ठीक है अच्छा उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्साइन,
बेटा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम ऑक्साइम कहते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइम। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम? ऑक्साइम कहते हैं। बुक का रिएक्शन है ये। 148 के कौन सा कंपाउंड है जो पांचों आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? आयोडोफॉर्म का टेस्ट बेटा कौन देगा? ब्यूटेनॉल नहीं देगा, ब्यूटेनल भी नहीं देगा, ब्यूटेन टू और देगा। मिथाइल ग्रुप मौजूद है, सी एच ओ एच के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये कंडीशन थी अल्कोहल की। और थ्री पेंटेनॉल नहीं देगा, नहीं देगा बिल्कुल। मिथाइल ग्रुप नहीं है कीटोन के साथ, इथर ग्रुप है, उधर भी इथर ग्रुप है। अच्छा उसके बाद देखो कीटोन का एशियन के साथ रिएक्शन। बेटा कीटोन का एशियन के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। अच्छा उसके बाद देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होते हैं। क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। एचजी जिंक और एसीएल या वोल्फ किशनर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें हम लेते हैं हाइड्राजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखते हैं ये रिएजेंट है या नहीं है इसके अंदर बेटा, देखते हैं वो रिएजेंट है या नहीं है। अब ये तो नहीं है मगर इसके अंदर एक ही रिएजेंट मौजूद है। ये बेटा रिएजेंट मौजूद है इसके अंदर हाइड्राजीन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल ये रिएजेंट मौजूद है। फोर्थ ओनली अच्छा अब है कि कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा किसके साथ? अच्छा नहीं बनाएगा प्रेसिपिटेट मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट कौन नहीं बनाएगा बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कीटोन प्रेसिपिटेट नहीं बनाते और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं बनाते। कीटोन भी नहीं बनाते और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं बनाते और एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं मगर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। कीटोन बिल्कुल भी नहीं बनाएगा ना एलिफेटिक ना एरोमेटिक। तो अब देखते हैं लास्ट आखिरी है तो बेटा एसीटोन उसका सही जवाब है। तो बेटा 51 क्वेश्चंस हो गए हैं, बस 51 हो गए, बाकी 9 है वो देखेंगे कल।